उहे जेके शयूं आहिनि ख़ूबसूरत, जेके शाहकार आहिनि, चाहे नसर जा हुजनि या नज़्म जा हुजनि, असां पंहिंजे पढ़ंदड़नि खे, पंहिंजी माउ ॿोली पढ़ंदड़नि खे उहे पढ़ायूं, त यकीननि तर्जुमो इन हद ताईं न फ़क़त मुश्किल आहे बल्कि इन हद ताईं तख़लीक़ी आहे, जो न फ़क़त उहो तख़लीक़ खां वधीक ॾुखियो कमु आहे बल्कि उहो नए सिर हिकिड़ी तख़लीक़ आहे। ख़ासि तौर ते मूंखे उमेदु आहे त अॻिते बि तव्हां ज़िक्र कंदव मंज़ूम तर्जुमे जो, यकीन कंदो, पर मां सिर्फ़ु हिकिड़ो सिंगल लाइनर ॿुधाईंदो हलां त उहो मां सम्झा थो त हिकिड़ो तबाज़ात तख़लीक़ खां ॾहण ते मुश्किल कमु आहे, इन करे जो उन ई कालब में, उन ई घाड़ेटे में, उन ई अंदाज़ में ऐं कोशिश तहत उन ई बहर ऐं उन ई वज़न में उन साॻी शइ खे इंटरप्रेट करणु, बयानु करणु, इहो तमामु घणो ॾुखियो आहे। छाकाणि पंहिंजी तख़लीक़ में तव्हां उन ख़्याल खे कोई बि घटि घेड़ ॾेई, कोई बि रस्तो ॾेई, को बि रुख ॾेई तव्हां उनजो अंदाज़ तब्दील करे सघो था, पर जेकॾहिं कंहिं शाइर जो कलाम आहे उहो तव्हांखे तर्जुमो करिणो आहे, मंज़ूम तर्जुमो करिणो आहे, त इहो अञा वधीक हिकिड़ो मुश्किल कमु आहे। हाणे असां ईंदासीं यासर जे तरफ़, ऐं यासर तव्हां छो त वेझे माज़ी में मां ॾिठो आहे त काफ़ी सारा तर्जुमा हूअं त प्रोज़ मां बि तव्हां कयो था, कहाणियूं कयो था, मुख़्तलिफ़ नसरी तर्जुमा बि कयो था, पर तव्हां नज़्म जो तर्जुमो नज़्म में बि कयो था, ऐं असां ख़ासि तौर ते असां वटि जॾहिं सिंधी में ॾिसूं था त नज़्म जो तर्जुमो नज़्म में तमामु घटि थियो आहे, पर तव्हां नज़्म में तर्जुमो कयो था, ऐं नज़्म में तर्जुमो करण में माण्हू पाबंद बि रहे थो, वज़न बहर जूं हिकिड़ियूं पाबंदियूं बि रहनि थियूं, त उन्हनि वज़न बहर जे पाबंदियुनि खे मद्देनज़र रखंदे तव्हां सम्झो था उन तख़लीक़ सां तव्हां केतिरो इंसाफ़ करे सघो था? मां केतिरो इंसाफ़ कयां थो या नथो कयां इहो त मुंहिंजो पढ़ंदड़ ॿुधाईंदो, पर जंहिं ज़िक्र खां तव्हां सिलसिलो शुरू कयो हो, बुनियादी तौर ते जेको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पहिरियों पहिरियों उत्साह जो ज़रियो मुंहिंजे लाइ बणियो, सो सचल सरमस्त जी फ़ारसी मसनविन जो मंज़ूम उर्दू तर्जुमो बणियो, ऐं सभिनी खे ख़बर आहे त उहो मक़सूद गुल साहिबु कयो। बुनियादी तौर ते सिंधीअ में मंज़ूम तर्जुमो ॾींहं जा नारा जे उनवान सां वाल साहिब जे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तामून हामीअ कयो, उहो जंहिं दौर में मूं पढ़ियो हुयो उहो उन हवाले सां मुंहिंजे अदबी या शऊरी बलूगत वारो दौरु कोन हुयो मूं जॾहिं हुनखे पढ़ियो हुयो, पर जॾहिं मूंखे पंहिंजे वाल साहिब जे कयल मंज़ूम उर्दू तर्जुमो जेको मां ॿुधाईंदो हलां त हुन हामी साहिब जे कयल तर्जुमे ऐं फ़ारसी जेको ओरिजिनल कलाम आहे ॿिन्ही खे साम्हूं रखी हुन कयो, ऐं उन में बि खोड़ सारियूं तब्दीलियूं पंहिंजे वाल पंहिंजे उस्ताद जे कयल तर्जुमे में हुन खोड़ सारियूं तब्दीलियूं कयूं, उनजा प्रूफ पढ़ण जो मूंखे मौक़ो मिलियो, ऐं मूंखे मसनवी आहे हिकिड़ी अहिड़ी सिंफ जो उन जी जेका उनजो जेको तरन्नुम आहे उनखे पढ़ण में मज़ो अचे थो, ऐं ज़ाहिरु आहे त आवाज़ जी दुनिया सां ताल्लुक़ु हूंदे पोइ वरी उनखे सदाकारी जे अंदाज़ में ॿियनि ताईं डिसमिनेट कंदे उहा पहुचाईंदे वधीक अञा ख़ुशी ऐं मुसरत महसूसु थिए थी, त उन मूंखे सभिनी खां पहिरीं उत्साह ॾिनो, ऐं ज़ाहिरु आहे त फ़ारसी उर्दू ऐं सिंधीअ जा उहे सिनफूं जेके असां वटि अरबीअ मंझां फ़ारसीअ में आहियूं ऐं फ़ारसीअ मंझां सिंधीअ में आहियूं, ग़ज़ल आहे, नज़्म आहे, त उन में असां घणी हद ताईं खोड़ सारियुनि तख़लीक़ुनि सां इन हद ताईं असां मुमासिलत बरक़रार रखी सघूं था, त जेकॾहिं ग़ज़ल आहे त ग़ज़ल जो ग़ज़ल में तर्जुमो थी सघे थो, खोड़ सारा काफ़िया रदीफ़ बि हिकु जहिड़ा आहिनि जेके असां बरक़रार रखी सघूं था, बहर हिकु जहिड़ा आहिनि त असां साॻे बहर में उनखे तर्जुमो करे सघूं था, त पंहिंजी जाइ ते मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त मंज़ूम तर्जुमो ॾहण ते वधीक मुश्किल कमु आहे, छाकाणि त उन में तव्हांखे अरक्रेज़ी वधीक थी करिणी पए, ऐं मुंहिंजे पंहिंजे तजुर्बे जे मुताबिक़ आज़ादु नज़्म जेको तर्जुमो करणु आहे, आज़ादु नज़्म मुराद नसरी नज़्म हरगिज़ न आहे, आज़ादु नज़्म मुराद आज़ादु नज़्म उहो जेको पाबंद नज़्म आहे, चलो उस बुत को ही रोले जैसे सबने कहा पत्थर मगर हमने खुदा समझा के हमने पत्थरों में उम्र काटी थी, खुदा समझा के हमने माबदों की खाक छानी थी, चलो फिर अपने जैसे नामरादों से हंसें बोलें वो जो कहते हैं वो होलें जबी के दाग चेहरे के सितम ढोलें चलो उस बुत को ही रोलें, ये फराज जो हिकड़ो आज़ाद नज़्म आहे। हाणे आज़ाद नज़्म जो मतिलब खोड़ सारा दोस्त असांजा नसरी नज़्म वठंदा आहिनि, नसरी नज़्म हिकिड़ी ॿी इंटायरली हिकिड़ी ॿी काइनात आहे, ऐं आज़ादु नज़्म हिकिड़ी ॿी काइनात आहे, आज़ादु नज़्म में तव्हांखे बहर जी पाबंदी नथी रखणी पए पर उनजे बावजूदु तव्हांखे उनजे रिधम जो ख़्यालु ज़रूरु रखिणो पए थो, ऐं असां वटि आज़ादु नज़्म जा तमामु वॾा पाबंद शाइर गुज़रिया आहिनि, मीरा जी जो मिसाल साम्हूं आहे, राशिद जो मिसाल उर्दू में साम्हूं आहे, सिंधीअ में बि असां वटि खोड़ सारा शाइर आहिनि। त तव्हांजे सुवाल जो जवाबु त आज़ादु नज़्म तर्जुमो करणु क़दरे ग़ज़ल ऐं नज़्म जे तर्जुमे करण खां वधीक सवलो आहे, ग़ज़ल वधीक अरक्रेज़ीअ जो कमु आहे, पर मज़ो तॾहिं आहे जो उन अरक्रेज़ीअ खां पोइ तव्हां उनखे तर्जुमो कयो ऐं पढ़ण लाइ मिले। असांखे मूंखे कुझु अहिड़ा सरकारी शाइरनि जा कयल मंज़ूम तर्जुमा बि मिलिया जिन खे पढ़ण खां पोइ मूंखे अहसासु थियो
त इन खां त वधीक बहितर हो त उर्दू में हुजे। मिसाल जे तौर ते मां तव्हांखे ॿुधायां, हिकिड़ो मां जॾहिं मां चवां थो सरकारी शाइर त तव्हां सम्झी सघो था कुझु नाला ज़हन में अचनि था। मूं हिकिड़ो शिकवा जवाबु शिकवा जो मूं तर्जुमो हिकिड़ी जाइ ते पढ़ियो, सिंधीअ में तर्जुमो थियलु आहे, त छो ज़ियां कार थियां सूद फरामोश थियां, फिक्र फरदा न कयां महवे गमे दोष रहां। अच्छा। नाला बुलबुल जा ॿुधां ऐं हमतन गोश रहां, हम नवा मां बि कोई गुलां जो ख़ामोश आहे। मुंहिंजो हिनखे इस्तकल्फ़ की क्या ज़रूरत थी, ये तो वैसे ही उर्दू में समझ में आ रहा है मुझे। तो आपको सिंधी में करने की, जब आप उसको पोशाक नहीं पहना सकते, जदें तां उनके वो वेस नथा ढकाए सको, तो वो बेहतर आ तसा उनके उर्दू में पढ़ो। हूँ भी नसर के तर्जुमे के हवाले से भी मां हमेशा ये चवंदो आया दोस्तन के, मुतर्जुम दोस्तन के चवंदो आया, तो असांखे उर्दू में जहां सिंधी में तर्जुमो करण की जरूरत ना है। छाकाणि त उर्दू पढ़ंदड़ सिंधी पढ़ंदड़ उर्दू पढ़ी सके तो, जेकॾहिं तव्हांखे फ़क़ति पंहिंजे क्रेडिट ते हिकिड़ी शइ एड करणी आहे त मंज़ूम तर्जुमो ॿी ॻाल्हि आहे। छाकाणि मंज़ूम तर्जुमो तख़लीक़ आहे, जेसि ताईं एज़ फार एज़ प्रोज़ इज़ कंसर्न, त तव्हांखे सिंधीअ मां उर्दूअ में त तर्जुमो करण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त सिंधी अदब खे उर्दू पाठकनि जी ज़रूरत आहे। पर उर्दू जीअं त सभिनी जे लाइ क़ाबिले फ़हम आहे, त मां सम्झां थो त उर्दू नसर खे सिंधीअ में तर्जुमो करण जी घणी ज़रूरत नथी महसूसु थिए। तव्हांजे सुवाल जो जवाबु इहो त अंग्रेज़ी जो कमु आहे, ॾुखियो कमु आहे, पर हुजे न थी थो वञे, वंस इट इज़ डन, त उनखे पढ़ण में ऐं उनजी मञता वसूल करण में जेको मज़ो अचे थो, उहो उनजो वरी पंहिंजो हिकिड़ो मज़ो, उनजो ॿीणो मज़ो आहे। यकीन यासर, त तव्हां जीअं असां ज़िक्र करे चुकासीं त यासर काज़ी जेके हिन वक़्तु तर्जुमा करे थो, ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया जे ज़रिए असां ताईं पहुचनि था, उहे हिकिड़ा उहे तर्जुमा आहिनि जेके नसरी तर्जुमा आहिनि, पर हिकिड़ा उहे तर्जुमा बि आहिनि जेके नज़्म मां नज़्म में तर्जुमो थिए थो। त असां चाहींदासीं यासर तव्हां उहे असांखे कुझु तर्जुमा ॿुधायो जेके तव्हां सिंधी में उर्दू सिंधी मां उर्दू में कया आहिनि ऐं उर्दू मां वरी सिंधी में कया आहिनि, या अहिड़ा ॿ टे मिसाल असांखे ॿुधाए वठो। जी हा बिल्कुलु, इन में टिनि लैंग्वेजिस जो अमल दख़ल आहे। मूं अंग्रेज़ीअ जे बि खोड़ सारनि नज़्मनि जो तादादु उर्दूअ में सिंधीअ में मंज़ूम तर्जुमो कयो आहे, ऐं सिंधीअ जे बि खोड़ सारनि नज़्मनि खे उर्दू ऐं अंग्रेज़ी में तर्जुमो कयो आहे। त इन्हनि ट्राइलिंगुअल्स जे हवाले सां मां मुख़्तसिर ॻाल्हि कंदुसि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि इन खां पहिरीं जो सेशन ख़तमु थिए, मां हिन बाक़ी डिस्कशन में एड कंदो हलंदुसि, त पूरी दुनिया में हींअर ट्रांसलेशन खां वधीक असां हिकिड़ो एडवांस लेवल अॻिते वधिया आहियूं। ट्रांसलिट्रेशन ते ज़ोर आहे, जंहिं ज़िक्र खां असां ज़िक्र शुरू कयोसीं, त उन ज़िक्र खे इते असां हिकिड़े नए जहत वारे दौर, जंहिंजे हवाले सां शायदि असांजे नौजवाननि खे घटि ख़बर हुजे, असांखां वधीक उहे इनलाइटेंड आहिनि, पर मां सम्झा थो त वधीक ज़रूरत आहे असांखे ट्रांसलिट्रेशन जी, उनमें उनजो तख़लीकी पहलू वधीक उजागर थिए थो। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त सिंधीअ में थियल खोड़ सारा तर्जुमा, सिंधीअ में हिकिड़ा नाला अहिड़ा आहिनि जिन खे असां मञियल मुतर्जम सम्झूं था, पर छोटा मूं बड़ी बात मां हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि ज़रूरु कंदुसि, त हिकिड़ो शाह साईं जे हवाले सां ॾाढो मक़बूल किताबु आहे एच टी सोरले जो लिखियलु, ऐं उहो मूं नंढे लाइ खां वठी ॿ टे दफ़ा सिंधीअ में पढ़ियो हुयो। मूं रेफर करण जे लाइ उनखे अंग्रेज़ीअ में पढ़ियो, ऐं ज़ाहिर आहे त हिकिड़े रीडर जी इहा उसमें इहे हिकु आदत पैदा हो जाती है कि वो अगरि पढ़ने लगता है तो वो अपने रेफरेंस से आगे भी पढ़ता जाता है। तो मुझे एक चैप्टर में मुझे ऐसे लगा कि ये बात जो मैंने पहले पढ़ रखी है वो इस अंदाज़ में नहीं है, वो किसी और अंदाज़ में थी। अच्छा, मैंने इसको आगे पढ़ा, फिर मैंने डबल चेक किया कि वो मेरे पास सिंधी ट्रांसलेशन उसकी मौजूद थी उस किताब की, शाह लतीफ़ ऑफ भिट, भिट जो शाह। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें तो मुझे एक ऐसा हशर नज़र आया, और वो चैप्टर दर चैप्टर मुझे नज़र आया कि उसमें अंग्रेज़ी में किसी और सेंस में कोई बात कही गई थी, और सिंधी में जो मैंने पढ़ रखी थी और एक से ज़ायद बार पढ़ रखी थी और उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ रखी थी, वो तो कुछ और थी। तो मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि शायद जो तर्जुमा शुदा कुतुब हम पढ़ चुके हैं, शायद उनको अब दोबारा से उन तबाज़ात कुतुब को पढ़ने की ज़रूरत होगी, वो असल तहक़ीक़ पढ़ने की ज़रूरत होगी, त जीअं असां सम्झी सघूं त उनजो असुलु रूह छाहे। मां ईअं नथो चवां पियो त उन में का अहिड़ी नियत इन्वॉल्व हूंदी त उनखे ग़लति तर्जुमे करण जी नियत हुजे, पर थी सघे थो त हिकिड़ो माण्हू कैपेबल न हुजे उनखे उन अंदाज़ में उन सम्झो हुजे जंहिं नमूने सां उनखे उन पहुचायो हुजे। सभिनी खां वॾी ॻाल्हि क़ुरान पाक जे तर्जुमे में जॾहिं फेर आहे त पोइ ज़ाहिर आहे ॿियनि किताबनि जे तर्जुमनि में त असांखे उहा शइ ॾिसो न, हिन हवाले सां माना अहसास ऐं कैफ़ियतूं जेके आहिनि उहे त तर्जुमो मुकमिल तौर ते थी नथियूं सघनि, पर तहक़ीक़ में अहसास ऐं जज़्बात न आहिनि। तहक़ीक़ जी ॻाल्हि न आहे, तख़लीक़ जी ॻाल्हि। हा, मां तख़लीक़ जी ॻाल्हि, पर मां शाह लतीफ़ भिट जो ज़िक्र थो कयां पियो, ऐं तव्हां उन में जेकॾहिं तव्हां सिंधी ऐं अंग्रेज़ी उन में तव्हां अलॻि अलॻि पढ़ी ॾिसंदव त तव्हांखे उनजो फ़र्क़ु महसूसु थींदो, त तव्हां मां जेका ॻाल्हि कई त उन में
केतिरी हद ताईं मां दुरुस्त आहियां। मां कोशिशि कंदुसि त हींअर जेको ज़िक्र कयो हमसफ़र जंहिं नज़्म जो ज़िक्र कयो, मां तोसां हिकु दफ़ो ॿीहर मिलंदुसि। मां इन इहो बुनियादी तौर ते पंजाबीअ में इहो तर्जुमो आहे अमृता प्रीतम जो, ऐं मां ॾिसां थो जेकॾहिं उहो मूं वटि मौजूदु आहे त मां उनखे तव्हांजी ख़िदमत पेश करणु चाहियां थो। ऐं तव्हां ॻोल्हे वठो तेसि ताईं, यूसुफ साहब तव्हां वटि कोई आहे तर्जुमे जो पीस कोई पढ़ण लाइ? पर उनखां पहिरीं मां हिकिड़ो ॿियो नज़्म, जीअं राबिंद्र नाथ टैगोर जो हिकिड़ो नज़्म आहे, ऐं उन टैगोर जे नज़्म जो जेको उनवान आहे, मैं पहले मैं उर्दू से शुरू करता हूँ, आख़िरी पर्दा के उनवान से मैंने उसको तर्जुमा किया। और राबिंद्र नाथ टैगोर की ये जो नज़्म है उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि मुझको मालूम है एक दिन इस तरह का भी आना है जब, मुझको मालूम है एक दिन उस तरह का भी आना है जब मेरी आंखें जो दुनिया दिखाने की खातिर मिली हैं मुझे बंद हो जाएंगी, मेरी आंखें जो दुनिया दिखाने की खातिर मिली हैं मुझे बंद हो जाएंगी और हमेशा हमेशा को सो जाएंगी। जिंदगी खामोशी से ही रुखसत के कलमात पड़ जाएगी, जिंदगी का ये पर्दा मेरी आखिरी जब गिरेगा तो सब पल बिखर जाएंगे, बालों पर जाएंगे जात के मेरी झड़ और धड़कन उखड़, बालों पर जाएंगे जात के मेरी झड़ और धड़कन उखड़, बाद जाने के मेरे लेकिन अदम टिमटिमाएंगे तारे यूं ही रात को, अनकही बात को जो तकेंगे मुसलसल जमीं की तरफ, रूबरू सफ बसफ रोज सुबह भी होती रहेंगी तुलू, ऐन पहले के जैसे दरख्शा हंसी दिलनशी मरमरी, ये पहर भी समंदर की बेहद गिरा तेज लहरों के अजली तलातुम नुमा, यूं ही पैहम उभारेंगे गम और खुशी रश्क और बेकसी। ये रविंद्रनाथ टैगोर की गज़ल थी। हिकिड़ो मदर टेरेसा जो गज़ल हुयो जेको ज़िंदगी आ जे उनवान सां मूं सिंधीअ में मंज़ूम तर्जुमो कयो, ऐं ज़िंदगी है के उनवान से उहो मैंने उर्दू में तर्जुमा किया था। उन जो सिंधी तर्जुमो आहे, ज़िंदगी मौक़ियो निरालो फ़ाइदे जी वाह कर, ही पाबंद नज़्म आहे। ज़िंदगी मौक़ियो निरालो फ़ाइदे जी वाह कर, ज़िंदगानी सूंह आहे सूंह जी साराह कर, ज़िंदगी इन लाइ ख़ुशीअ जो ज़ाइक़ो उन जो चखे, ज़िंदगी हिकु ख़्वाबु आहे पर करी महसूस जे, ज़िंदगी ललकार आहे मुड़स थी मुंह यार ॾेज, ज़िंदगी ललकार आहे मुड़स थी मुंह यार ॾेज, ज़िंदगी हिकु फ़र्ज़ आहे हेज सां पूरो करेज, ज़िंदगी हिकु रांद आहे खेॾु उन खे जाह सां, ज़िंदगी हिकु वाइदो आहे पाड़ तंहिंखे चाह सां, ज़िंदगानी ग़म बि आहे तंहिं ते क़ाबू पाए तूं, ज़िंदगी हिकु गीत आहे सुहिणनि सुरनि में ॻाए तूं, ज़िंदगी आहे मुशक़त कर अदा हिमत कना, ज़िंदगी हिकु सानहो आहे ॾोर उन खे होश सां, ज़िंदगी आहे मुहिम जूई जुरतुनि सां काह तूं, ज़िंदगी क़िस्मत अथई पंहिंजनि हथनि सां ठाहे तूं, ज़िंदगानी क़ीमती आहे कीन कर उन खे तबाह, ज़िंदगी खुद ज़िंदगी आहे करविड़ी तहसां निभा। वाह वाह वाह, इहो मदर टेरेसा जो तमामु ज़बरदस्त। यासर, असां वटि टाइम जी तंगी थी वई आहे, जेकॾहिं हिकिड़ी इजाज़त ॾियो, आपा नूरुल्लाह शाह जो हिकिड़ो नज़्म मूं अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो करण जी ज़रूरत कई हुई, ऐं मां उहो जेकॾहिं आपा ताईं इजाज़त हुजे त मां उहो हिते पेश करियां। द सॉयल वॉज़ मेंट टू क्राफ्ट अ ह्यूमन फ्रॉम विच यू मेड अ कैसल, द सॉयल वॉज मेंट टू क्राफ्ट अ ह्यूमन फ्रॉम विच यू मेड अ कैसल, when it was half kneaded and partially dry that you took it away and made a citadel from it and also heaved the flag of conquest over it and the pitiable homoid could not utterly shaped, now only a handful of the mud leftovers from which either the barbarian of the fortress can be raised और द सेंटिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। असल नज़्म ये थी कि तुमने जिस मट्टी से कला बनाया है वो आदमी की थी, आधी गोंधी थी आधी अभी बाकी थी, कि तुमने वो मट्टी चुरा ली और किला बना दिया, फतेह का परचम भी लहरा दिया, आदमी बेचारा बनते बनते रह गया, अब बस मुट्ठी भर मट्टी बाकी है, या कले का बुर्ज बनेगा या आदमी का दिल बन जाए। वाह वाह।